चिन्नू चिन्नू, मुझे एक और कहानी सुनाओ। पप्पू, पहले मुझे ये किताब खत्म करनी है। मैं इसमें से सुनाऊंगी जब मैं पूरा पढ़ लूंगी। नहीं, मुझे तो अभी सुननी है कहानी। नहीं, मैं बाद में सुनाऊंगी। नहीं, मैं बाद में सुनाऊंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मुझे पढ़ने दो। अब मुझे पढ़ने दो। ओफो, ओफो। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। सुनाती हूँ सहयोगी केंचुए की कहानी। ये हुई ना बात। ओ पापा, अपनी फसल को इतने अच्छे हाल में देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ, इसके जिम्मेदार हैं तुम और तुम्हारे दोस्त। इन्हीं से आए हैं अच्छे दिन। हाँ, मुझे अब भी याद है जब मैं स्कूल से लौट रहा था। हाँ, तितली। क्या? मैं हूँ अच्छा केचुआ, मुझसे दूर न रहो। मैं सांप नहीं हूँ, जानते नहीं क्या? कहो। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मगर तुमने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। तुम्हें कुछ अब देना पड़ेगा। क्या है तुम्हारे पास देने को? ओ केचुए, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। इस साल हमारी फसल ने भी कुछ कमाल नहीं दिखाया। मेरे पापा भी कुछ नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्यों ना ऐसा किया जाए। हमें घर चाहिए रहने के लिए, हमें दोस्त चाहिए खेलने के लिए। ठीक है, मैं ले जाता हूँ घर। तुम हमारे खेत में जितने दिन रहना चाहो खुशी से रहो। और आज से अपने खेत की चिंता छोड़ दो, उसको हम संभाल लेंगे। सावधान, विश्राम। जवानों, यहाँ हमारे सामने एक समस्या है। तुम्हें ये खेत नजर आता है? बड़ी ही बेकार स्थिति में है। हमें इसको सुधारना होगा। क्या तुम मेरे साथ हो? जी साहब। बहुत बढ़िया, चलो अब काम पे लग जाते हैं। इसे कहते हैं अद्भुत काम। और उस दिन से पापा, हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। शायद इसीलिए कहते भी हैं कि केंचुए किसानों के दोस्त होते हैं। दूसरों की मदद करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे जब तुम्हें जरूरत होगी।